उत्तराखंड 2024 लोकसभा चुनाव का शोरगुल अब थमते हुए नजर आ रहा है और अब इंतजार है तो उस घड़ी की कि किसके सर पर आखिर जीत का ताज होगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, वर्तमान में जो चुनाव हुए, अब उसमें खासकर अगर हम सभी 500 सीटों की बात करें उत्तराखंड में, तो इसमें ज़्यादातर बड़े चेहरे वो थे जो ऑलरेडी राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिसने वर्तमान में पहली बार वो आए और उन्होंने उत्तराखंड में एक खलबली मचा दी। जी, हम बात कर रहे हैं बॉबी पंवार की। बॉबी पंवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार को काफ़ी करीब से देखा और वर्तमान में उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं की आवाज़ बनने के लिए लोकसभा टिहरी से वो सांसद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े हैं। अब उनकी किस्मत क्या कहती है, तो ईवीएम की बंद पेटी में ही होगा। लेकिन बॉबी पंवार जीतते हैं या हारते हैं, ये उत्तराखंड के युवाओं को भविष्य तय करेगा। क्योंकि मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, अगर बॉबी पंवार इसमें जीत जाते हैं तो ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं को न सिर्फ उनकी जो भ्रष्टाचार उनके साथ में हो रहा है, जो उत्तराखंड के युवाओं को उत्पीड़न उनके साथ हो रहा है, वो न सिर्फ लोकसभा तक उनकी आवाज़ जाएगी बल्कि उत्तराखंड राजनीतिक कैरियर में भी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वरना जिस प्रकार वर्तमान का जो दौर है, जो कांग्रेस में है वही बीजेपी में है और जो बीजेपी में वही कांग्रेस में आ रहे हैं, तो इससे जो आम युवा हैं उनको राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो लोग वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं उनके ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाएंगी और यही लोग राजनीति में राज करेंगे। बाकी अगर कोई यह सोचेगा कि वो निर्दलीय तौर पे आगे बढ़ना चाहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले इस कठिन दौर में कोई राजनीति चुनाव फिर जीत पाएगा। अगर बॉबी पंवार जीत जाते हैं तो उसके बाद में न जाने कितने ऐसे युवा हैं जो समाज सेवा के लिए, उत्तराखंड में अच्छे कार्यों के लिए, उत्तराखंड के अहम मुद्दों के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और राजनीति में अपना किस्मत आजमाने का प्रयास करेंगे। तो आखिर बॉबी पंवार इसमें जीत पाएंगे या हार पाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर बॉबी पंवार जीतते हैं तो ये उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी।